पुलिस अधीक्षक चमोली ने किया थाना थराली में जनसंवाद, लोगों की समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने थाना थराली में जन समस्याओं के निराकरण के लिए थाने में आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक संवाद और पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय लोगों, वाहन स्वामियों, जनप्रतिनिधियों आदि की तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी निर्देश दिए। मंगलवार को तय कार्यक्रम के अनुसार पुलिस कप्तान श्वेता चौबे ने थाना थराली में पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने थाने में वार्षिक निरीक्षण के तहत तमाम दस्तावेजों, पेंडिंग पड़े हुए तमाम मामलों और थाने के मालखाने, बैरक, हवालात, थाना परिसर, भोजनालय, हथियारों की साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक ने थाना अभिलेखों के निरीक्षण करने के साथ ही महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों व 112 पर प्राप्त सूचनाओं से संबंधित रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। पुलिस पब्लिक संवाद में उपस्थित जनसमुदाय ने पिंडर घाटी के बाजारों में रोज रोज लगने वाले मोटर वाहनों के जाम से निजात दिलाने की मांग की, जिस पर पुलिस कप्तान ने उचित व्यवस्था करने के अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए। होली के अवसर पर जनता की राय शुमारी पर पुलिस कप्तान ने गश्त बढ़ाने और संवेदनशील कस्बों और बाजारों को चिन्हित कर सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा। इनको क्लियर कर दिया कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की सोच रहे हैं। जमीन को भी बस जमीन को क्लियर कर दिया। नहीं, नगर पंचायत है। ठीक है, तो ये कितनी गाड़ियां हो जाएंगी उसमें? वहाँ पे तो 200 से ऊपर ही आ जाएगी। अब आप तो ऐसी जगह तो है नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी पार्किंग बनाई जाती है, तो वहाँ पे हमने जगह रखी थी, उन्होंने वहाँ पे काम भी कर दिया। मुझे लग रहा है उसका 90% काम हो चुका है उस पार्किंग का, और शायद आपके थाने में भी चिट्ठी आई है पहले इनके वहाँ से कि भाई आप गाड़ियों को हटा के वहाँ लगा दो। फिलहाल थाना थराली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जो भी हमारे थाने से संबंधित हमारे अभिलेख हैं, जो माल है जिनका निस्तारण अभी होना है, और CCTNS महिला डेस्क, जो शिकायतें आ रही हैं थानों में, उसका किस तरह से निस्तारण और निराकरण किया जाना, उस संबंध में आवश्यक दिशा चेक भी किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जो भी थराली क्षेत्र अंतर्गत प्रबुद्ध जन हैं और व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, उनके सभी लोगों के साथ आज बैठक भी की गई। जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उस संबंध में उन्होंने अवगत कराया और कई सुझाव भी दिए हैं, जिसको अब हम अमल में लेकर आएंगे। अभी उसमें जो है थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित करते हुए कौन सा ऐसा समय है जिस दौरान जो है भारी वाहनों को हम प्रवेश रोक सकते हैं, उसका निर्णय उस हिसाब से ले लिया जाएगा। खबर भारत वर्ष के लिए थराली उत्तराखंड से इंद्रधनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।